राज्य में अपराधों का सिलसिला लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिससे पुलिस पर भी काफी जिम्मेदारी बढ़ गई है। अपराधों को रोकने और शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में रक्षा और शांति व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल के निर्देशों के बाद आज गठित की गई टीम के नेतृत्व में थाना प्रभारी टिकारा पार, डीडी नगर, अमनाका, पुरानी बस्ती और एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की टीम के साथ अन्य पुलिस बलों की तीन अलग अलग टीमों में शामिल लगभग 200 पुलिस अधिकारियों ने थाना टिकारापार क्षेत्र अंतर्गत बोरिया खुर्द स्थित BSUP कॉलोनी और थाना डीडी नगर क्षेत्र अंतर्गत स्थित इंद्रप्रस्थ कॉलोनी की चेकिंग की। आपको बता दें कि चेकिंग कार्रवाई के दौरान लगभग 600 से ज्यादा मकानों को चेक किया गया, जिसमें कई मकानों में किराएदार पाए जाने के साथ ही कुछ मकानों में तालाबंद भी पाया गया। कॉलोनी के मकानों में रहने वाले व्यक्तियों और किराएदारों का सत्यापन करने के साथ ही बाहर से आए व्यक्तियों का भी सत्यापन कर कॉलोनी में गुंडा निगरानी, बदमाशों, वारंटियों, आपराधिक तत्वों के साथ संदिग्ध व्यक्तियों की भी चेकिंग कर उनसे पूछताछ की गई। चेकिंग के दौरान चार व्यक्तियों को अवैध रूप से चाकू रखने के साथ, एक व्यक्ति को पिस्तौल नुमा लाइटर के साथ और दो पहिया वाहन में घूमकर मोबाइल चुराने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके साथ ही एक दर्जन से अधिक संदिग्ध व्यक्तियों को भी संबंधित थाने में लाकर पूछताछ की जा रही है। कॉलोनी में रहने वाले बदमाशों, वारंटियों, पुराने आरोपियों और आपराधिक तत्वों को अपराधों से दूर रहकर शांतिपूर्वक अपना जीवन जीने, पुलिस का सहयोग करने की नसीहत दी गई है। रायपुर पुलिस ने आश्वासन देते हुए कहा कि उनके द्वारा ये सत्यापन अभियान लगातार जारी रहेगा।